मैथ के पेपर में तुम्हें अगर कुछ भी नहीं आएगा तो बस ये लिख के आ जाना, नंबर तुम्हें 100% मिलने वाला है, कोई भी नंबर तुम्हारा काट नहीं सकता। मैथ के पेपर देने से पहले पांच बातें जो आपको बहुत ही अच्छी तरीके से ध्यान देना चाहिए, क्योंकि ये बातें दोस्तों अगर आप लोग इसे इग्नोर कर देंगे मैथ के पेपर से पहले, तो आप में से शायद काफी सारे ऐसे बच्चे होंगे दोस्तों जो काफी सारे बच्चे फेल भी होंगे, या फिर काफी सारे बच्चे ऐसे भी हो जाएंगे दोस्तों जिनके नंबर मैथ में बहुत ही ज्यादा कटने वाले हैं। तो आप ये गलती करने से बहुत ही अच्छी तरीके से आपको बचना है। क्लास 10 के स्टूडेंट्स का मैथ के पेपर को शुरू होने में दोस्तों अब कुछ ही घंटे अब समय रह गए हैं, केवल आज का समय जो है आप लोग के पास जो है मैथ की तैयारियों को लेकर होने वाला है। तो लास्ट दिन आज जो है दोस्तों लास्ट मिनट टिप्स क्या होने वाला है जो मैथ के पेपर में आपको फॉलो करना चाहिए। आज का वीडियो काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाला है आपके मैथ के पेपर को लेकर। आज के इस वीडियो में जो भी चीजें मैं आपको बोलने वाला हूँ, ये सारी चीजों को दोस्तों बहुत ही अच्छी तरीके से ध्यान से समझिएगा, कौन सा सेक्शन से आपको पेपर स्टार्ट करना है, पेपर में क्या लिखना है क्या नहीं लिखना है, और पेपर हमें नहीं आएगा तो उस कंडीशन में मुझे क्या करना चाहिए जिससे मुझे नंबर मिलेंगे, पास होने के लिए मुझे एटलीस्ट उस समय में क्या सोचना पड़ेगा, क्या पेपर में लिख के आना पड़ेगा, क्योंकि पेपर तो खाली छोड़ के तो बिल्कुल भी नहीं आना है। तो काफी सारी चीजें हैं, आज की इस वीडियो में एक एक करके सारी चीजों को समझेंगे। सबसे पहले दोस्तों आप लोगों को स्क्रीन पे देखिए, तो स्क्रीन पे आप लोग को देखने को मिलेगा, तो यहां पे आप लोग देख पा रहे होंगे, तो यहां पे जो भी चीजें आप लोग देख रहे हैं, ये जो आप लोग को स्क्रीन पे जो मैं आपको पेपर दिखा रहा हूं, ये है आप लोग का सीबीएसई का एक टॉपर का पेपर, मैथ के जो है टॉपर जो है वो पेपर कैसे लिखते हैं। तो सबसे पहले यहां से हम कुछ सीखते हैं पेपर प्रेजेंटेशन जो है टॉपर कैसे करते हैं। तो पहले यहां से दो तीन बातें पहले सीख लीजिए, उसके बाद जो है आगे और भी काफी सारी बातें हैं, तो एक एक करके सब पे बात करेंगे। टॉपर्स के आंसर शीट में आप लोग देखेंगे तो टॉपर्स ने जो पेपर लिखना शुरू किया है वो आपके लास्ट वाले सेक्शन से किया है। तो पहला तरीका जो आप यहां से सीख सकते हैं, ये बहुत ही अच्छा तरीका और मैथ के पेपर के लिए एक काफी इफेक्टिव तरीका भी है, क्योंकि मैथ में जो है पेपर छूटने का जो सबसे बड़ा रिस्क होता है वो मैथ में ही होता है। तो मैथ में सबसे पहले आप जो है ये टॉपर से ही एक चीज जो सीख सकते हैं, आप जब मैथ का पेपर करेंगे तो उसमें जो है आपको ट्राई करिएगा कि आप लास्ट वाले सेक्शन यानी पहले बड़े नंबर के क्वेश्चंस को करिए, उसके बाद छोटे, उसके बाद छोटे, और सबसे लास्ट में जो है आप लोग एक एक नंबर के क्वेश्चंस पे ध्यान दीजिए। कल के पेपर में दोस्तों आप लोग जब मैथ का पेपर देंगे तो बहुत ही अच्छी तरीके से आपको ध्यान रखना है, जो भी क्वेश्चंस आप करेंगे यहां पे देखेंगे तो ये जो टॉपर है इसके आंसर शीट में आप लोग देखेंगे जो भी क्वेश्चंस जो इस बच्चे ने किया है, जहां पर पॉसिबल है वहां पे दोस्तों इसने फिगर भी बनाया है। तो आपको भी दोस्तों ये चीजें आप लोग फॉलो करिएगा, अगर आपको दोस्तों जहां पर लगता है कि ये क्वेश्चंस में जो है फिगर बनाया जा सकता है, फिगर बनाने से आंसर जो है और ज्यादा इफेक्टिव लगेगा, तो आप ट्राई करिएगा कि मैथ का वो क्वेश्चंस में फिगर स्पेशली बना लीजिए। एक और चीज है जो आपको कल के मैथ के पेपर में बहुत ही अच्छी तरीके से ध्यान रखना है, ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाला है ये वाला पॉइंट। सबसे पहले आप लोग यहां पे देखिए, तो यहां पे सीट में स्क्रीन पे आप लोग देखेंगे तो इस बच्चे ने यानी टॉपर ने जो भी आंसर का यहां पे जवाब दे रखा है, एवरी क्वेश्चंस को बहुत ही अच्छी तरीके से एक मैनर में यानी प्रॉपर मैनर में जो है आंसर को दे रखा है। आपको भी दोस्तों जो ट्राई करना है आंसर लिखने का, एक सबसे बेस्ट तरीका क्या होता है मैथ में आंसर लिखने का, बेस्ट तरीका यह होता है कि पहले क्वेश्चंस को अच्छी तरीके से रीड करिए, उसके बाद रीड करने के बाद जो है सारी चीजों को जितनी भी गिवन चीजें हैं वो गिवन चीजों को लिखिए, उसके बाद है गिवन लिखने के बाद जो है उसके बाद फॉर्मूला को लिखिए। आपको बेशक जो है फॉर्मूला आता हो आप डायरेक्ट उसको जो है डायरेक्ट अप्लाई मत करने की कोशिश करिएगा, पहले गिवन लिखिए उसके बाद फॉर्मूला लिखिए उसके बाद जो है वैल्यू पुट अप करिए, यानी स्टेप्स को बढ़ाने की कोशिश करिएगा, क्योंकि स्टेप्स के दोस्तों आप लोग के मैथ में नंबर मिलते हैं। तो जितने ज्यादा स्टेप्स होंगे उतना ही दोस्तों आप लोग के नंबर जो है पूरे मिलने के चांसेस हो जाएंगे, क्योंकि पांच नंबर का जो क्वेश्चन आता है उसमें आपको पूरे जो है डायरेक्ट आंसर को लिखने के पांच नंबर नहीं मिलते, बल्कि आधा नंबर आपको गिवन के मिलते हैं, आधा नंबर जो है आपको जो है फॉर्मूले के मिलते हैं, आधा नंबर वैल्यू पुटअप के मिलते हैं, आधा नंबर जो है आपको सोल्व करने के मिलते हैं, और लास्ट में जो पूरा आंसर आ जाता है यानी कि आप एग्जैक्टली राइट आंसर निकाल देते हैं तो आपको वहां पे एक से दो नंबर आपको आंसर्स निकालने के मिलते हैं। तो कुछ इस तरीके से जो है मार्क्स यहां पे ब्रेक डाउन होता है, तो आपको इसी अकॉर्डिंग आपको चलना पड़ेगा, एक आंसर लिखने का एक प्रॉपर मैनर यही है मैथ में जो आपको इस बार फॉलो करना पड़ेगा। बाकी और भी जो है इस आंसर शीट में और भी मैं आगे बढ़ूंगा, तो यहां पे आप लोग देखेंगे इस बच्चे ने जो है सीरीज को बहुत ही अच्छी तरीके से जो है यहां पे मेंटेन करने की कोशिश की है। आपको भी ये चीजें करने की कोशिश करनी चाहिए मैथ में, सीरीज को मेंटेन करेंगे तो आपका पेपर का प्रेजेंटेशन एक बहुत ही अच्छी तरीके से यहां पे जो है प्रो लेवल में जो है आपका पेपर का प्रेजेंटेशन हो जाता है। सीरीज को मेंटेन करने का मतलब है अगर आप लास्ट से क्वेश्चन को कर रहे हैं तो यानी कि लास्ट के बाद जो है उसके एक नंबर पीछे एक नंबर पीछे, यानी कि अगर आपका जो है लास्ट क्वेश्चन आपने 30 से पेपर शुरू किया है तो 30 के बाद ट्राई करिएगा कि 29 करें, 29 के बाद जो है 28 करें, अगर स्टार्टिंग से कर रहे हैं तो ट्राई करिएगा कि 1 करें, उसके बाद 2 करें, उसके बाद 3
करें, अगर बीच में कोई क्वेश्चन नहीं आता है आपको जवाब, जैसे मान लीजिए वन के बाद दूसरे का आंसर आपको नहीं आता है, तो वहां पर आप ये चीजें कर सकते हैं कि वहां पर थोड़ा सा स्पेस छोड़ सकते हैं, क्योंकि आपको पूरा जो है बहुत ही सारा पेजेस मिलेगा। ऐसा नहीं है कि वहां पर पेजेस आपको कम पड़ जाएंगे, पेजेस बहुत सारे मिलेंगे, तो स्पेस छोड़ सकते हैं, उसके बाद जो है आगे का जवाब दें। जब आपको दूसरे का आंसर आ जाए तो आप जो स्पेस है वहां पर कर सकते हैं, या फिर दोस्तों आप लोग इस तरीके से भी कर सकते हैं कि जो आपको पहले आता है उसको जो है पूरी कंप्लीटली सीरीज वाइज कर दें, और जो जो आपको क्वेश्चन जो बीच में नहीं आता है उसको लास्ट में कर दें, तो सीरीज को मेंटेन करने की कोशिश करिएगा, तो एक बहुत ही अच्छा तरीका आपको होगा मैथ के पेपर में प्रो लेवल का यहाँ पे पेपर को पकड़ने का प्रेजेंटेशन। और भी दोस्तों इसमें बात करें तो आंसर शीट में और भी देखेंगे तो काफी इस तरीके से जो है यहाँ पे जो भी आंसर्स को लिखा गया है एक प्रॉपर मैनर में लिखा गया है, जैसे कि मैंने आपको बताया एवरी क्वेश्चन क्या कह रहा है, तो सभी चीजों को एक एक स्टेप्स में यहाँ पे लिखा गया है, गिवन वैल्यू को साथ के साथ यहाँ पे लिखा गया है, एक एक स्टेप्स जो यहाँ पे किया गया है, हर एक क्वेश्चन को जवाब जो है यहाँ पे शॉर्टकट नहीं दिया गया, जैसे कि जो है अगर क्वेश्चन इस तरीके से, एक शॉर्टकट को समझ रहा था मैं आपको, शॉर्टकट किस तरीके से बच्चे करते हैं, 2+2 जो है यहाँ पे मान लिया 4 होता है तो बच्चे जो है डायरेक्टली आंसर 4 लिख देते हैं, तो ऐसा आपको नहीं करना है। वहां पे जो भी आप क्वेश्चन लिखेंगे उसको जो है अगर कोई कैलकुलेशन इजी है तो आप लोग को दोस्तों इजी है तो इसका मतलब नहीं है कि डायरेक्ट जो है मन में कैलकुलेशन करके आप डायरेक्ट आंसर लिख देंगे, वो कैलकुलेशन को वहां पे दिखाइए, यानी एक स्टेप्स को और बढ़ाइए। ये स्टेप्स बढ़ाने का मतलब मैं ये कह रहा हूं, क्योंकि स्टेप्स बढ़ाएंगे तो आप लोग के नंबर मिलने के भी चांसेस बढ़ जाएंगे, तो ये स्टेप्स बढ़ाने पर दोस्तों आप लोग को कल फोकस करना है। एक और मोस्ट इंपॉर्टेंट जो बच्चे जानना चाहते हैं कि मैथ के पेपर में काफी सारे बच्चे ऐसे होते हैं, यानी कि हर एक क्वेश्चन आप जो क्वेश्चन को अटेंड करेंगे ऐसा हो कोई भी बच्चा नहीं होगा जिसको ऑल टू ऑल क्वेश्चन आ जाएंगे, यानी सभी क्वेश्चन का जवाब सभी को आता होगा, कुछ क्वेश्चन ऐसे भी रहेंगे जो आपको नहीं आता होगा, तो उस केस में दोस्तों आप उन क्वेश्चन में भी पूरा नंबर ले सकते हैं, बहुत ही ईजी तरीका है। मैथ में स्पेशली बात करें, बाकी सब्जेक्ट में तो नहीं, लेकिन मैथ में नंबर उस क्वेश्चन में भी लिया जा सकता है जिसमें आपके क्वेश्चन का जवाब आपको नहीं आता है, यानी वो क्वेश्चन आपको नहीं आता है फिर भी आप नंबर ले सकते हैं। तरीका बहुत ही आसान है। सबसे पहले सीबीएसई बोर्ड का जो है, जैसे कि मैंने अभी आपको बताया था आंसर शीट दिखा के, सीबीएसई बोर्ड आपको स्टेप्स के नंबर देती है, इसका मतलब है कि अगर आपको कोई भी जो है एक सवाल है वो आपको नहीं आता है तो सिंपली आपको क्या करना है, वो सवाल नहीं आता है फिर भी आपको करने की कोशिश करना है। करने की कोशिश कैसे करना है, पहले आपको जो है जो भी चीजें गिवन दी हुई है वो सबसे पहले गिवन को लिखिए, उसके बाद जो है आपको फॉर्मूला याद होगा तो फॉर्मूले को लिख दीजिए, वैल्यू को पुट अप कर दीजिए, अगर आगे आप सॉल्व नहीं कर पाते हैं तो भी आपको नंबर मिल जाएगा। अगर आपको फॉर्मूला भी याद नहीं है तो गिवन लिखिए, और गिवन के बाद जो है किसी भी तरीके से जो है उसको सॉल्व करने की कोशिश करिए। अगर आपको जो है थोड़ा सा भी जो है आप लोग आंसर्स को एटलीस्ट करने की ट्राई भी करिएगा तो एग्जामिनर जो है क्या करते हैं कि 3 नंबर का क्वेश्चन जो होता है बच्चा एटलीस्ट अगर ट्राई करने की कोशिश कर रहा है, करने की कोशिश कर रहा है, तो 3 में से एग्जामिनर उसे आधे नंबर 1 नंबर दे देते हैं। तो ऐसे में आप लोग सोचिए, अगर आपको 4 क्वेश्चन नहीं आ रहा है और आपने उसको अटेंड करने की कोशिश की होगी, आधे आधे नंबर भी अगर आपको 4 क्वेश्चन में दे दिया जाता है तो आपको 2 नंबर तो ऐसे ही बढ़ जाएंगे, और ये एक एक नंबर आपको मैथ में काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट आपको यहाँ पे होंगे। और एक मोस्ट इंपॉर्टेंट, आज का पूरा जो डे है आपके पास वो पूरा डे जो है आप रिविजन में लगाइए। एक मोस्ट इंपॉर्टेंट आपको ध्यान रखना है, सैंपल पेपर जरूर करिएगा, क्योंकि सैंपल पेपर लास्ट डे में आपको काफी ज्यादा हेल्प करेगा, क्योंकि सैंपल पेपर से आपको ये पता चलेगा कि आप मैथ में कितने ज्यादा तैयार हैं, तो सैंपल पेपर करना बिल्कुल मत भूलिएगा। और साथ ही साथ दोस्तों एक और चीज जो आपको ध्यान रखना है, प्रैक्टिस पूरा करिए, क्योंकि आज लास्ट डे होने वाला है। आपने पूरे साल भले ही कैसी भी पढ़ाई की हो, लेकिन अगर आप अच्छे से आज पढ़ाई कर लेते हैं तो आप लोग के नंबर दोस्तों बाद में जब अच्छे आएंगे तो कोई भी आपसे नहीं पूछेगा कि आपने साल भर कैसी पढ़ाई की है। तो आप लोग को पूरा जो है आज बेस्ट देना है। आप सभी स्टूडेंट्स को बेस्ट ऑफ लक, अपने मैथ के पेपर को बहुत ही अच्छी तरीके से देके आइएगा। मेरे चैनल पे दोस्तों आपको काफी सारे जो है इंपॉर्टेंट क्वेश्चन प्रीवियस ईयर जैसे काफी सारी जो है मैथ को लेकर कंटेंट आपको मेरे चैनल पे मिल जाएगा, तो जाकर उसे जरूर चेकआउट करिएगा। और साथ ही साथ स्टूडेंट्स मेरे चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिएगा, क्योंकि दोस्तों आपके रिजल्ट से लेकर आपके स्ट्रीम सिलेक्शन को लेकर दोस्तों काफी सारी इंपॉर्टेंट वीडियो जो है मैं आप लोगों के लिए देने वाला हूं आगे। तो मेरे चैनल पे दोस्तों आपको पूरी कंप्लीट जो है आपको हर एक चीजें मिलने वाली है, तो चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ नोटिफिकेशन बेल को याद से प्रेस कर दीजिएगा। अपना बहुत ज्यादा ख्याल रखिएगा। जय हिंद दोस्तों।